साथियों शाला दर्पण पर आठवीं वार्ड सत्र अंक प्रविष्टि हेतु टैब एक्टिव किया जा चुका है। इसी क्रम में मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो। इस वीडियो में आपको आठवीं वार्ड सत्र अंक ऑनलाइन करने की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो साथियों जानकारी देने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको शाला दर्पण का होम पृष्ठ ओपन कर लेना है, शाला दर्पण की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब यदि आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ तीन डॉट दिखाई देंगे, इन तीन डॉट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, तो इसके सम्मुख आपको जो चेकबॉक्स मिलेगा इस पर क्लिक कर लेना है। आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा, तो आपको अब यहाँ नीचे आना है। यहाँ आपको कुछ रनिंग टैब दिखाई देंगे, जहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ आपको रनिंग टैब दिखाई देंगे। यहाँ आपको क्लिक करते जाना है जब तक आठवीं बोर्ड का ऑप्शन आपके सामने इस तरह से नहीं आ जाए। तो जब आपके सामने आठवीं बोर्ड का ऑप्शन आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। और साथियों यदि आपको यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत है तो यहाँ आने का मैंने सीधा डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने यहाँ आने का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब आप यहाँ आ जाए तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, इसको मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ वहीं क्लिक करना है। स्कूल ऑब्लिक एग्जाम सेंटर लॉगिन वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ मिलेगा आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन नेम से एक ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का शाला दर्पण का होम पृष्ठ अब आ जाएगा। अब आपको यहाँ ऊपर लॉगिन नेम में आपकी स्कूल की यूज़र आईडी एंटर करनी है, उसके बाद पासवर्ड में जो भी आपने पासवर्ड आपके विद्यालय लॉगिन के बना रखे हैं वो पासवर्ड एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ मिल जाएगा कैप्चा कैलकुलेशन, इनको सेम टू सेम आपको यहाँ एंटर कर देना है। और सबसे अंत में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अब लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ क्लिक करना है, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको यहाँ तीन व्हाइट लाइन दिखाई देगी, इन तीन व्हाइट लाइन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी, कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सेशनल मार्क एंट्री नेम से, तो आपको सेशनल मार्क एंट्री नेम से जब ये ऑप्शन मिल जाए तब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे सेशन आपके सामने 2022-23 डिस्प्ले हो जाएगा, उसको सेलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी, तो जिस भी सब्जेक्ट के आप सेशनल मार्क यहाँ एंटर करना चाहते हैं वो सभी सब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि मैं मैथ्स के जो मार्क है वो ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ मैथ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा गो का ऑप्शन, तो आपको इस गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब खुलकर आ जाएगी। आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं उनकी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। आपको विद्यार्थी के रोल नंबर, विद्यार्थी का नेम, विद्यार्थी का फादर नेम सब कुछ यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ चेक कर लेना है, जितने आपकी कक्षा में विद्यार्थी है उतने नाम आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही, इस बात की जानकारी आपको ले लेनी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम मार्क। तो यहाँ मैक्सिमम मार्क मैथ्स में आपको 20 दिए हुए हैं, ऐसे ही आपके जो कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा होती है उनमें मार्क अलग है, वहाँ मार्किंग अलग से आपको करनी है, वहाँ मैक्सिमम मार्क अलग है। तो आपको सबसे पहले जो भी आप यहाँ मार्क ऑनलाइन कर रहे हैं उससे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मार्क कितने में से आपको अलॉट करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के जब आप अलॉट करेंगे तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम मार्क आप
को कितने में से देने हैं। मैक्सिमम मार्क की जानकारी लेने के पश्चात आपको अब यहाँ देखना है, आपको यहाँ विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण डिटेल मिलती रहेगी। तो जो भी आपने सेशनल मार्क इस विद्यार्थी को दिए हैं, ऑफलाइन जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, उसके अनुसार जो भी इसके सेशनल मार्क आए हैं वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद जब आप मार्क एंटर यहाँ कर देंगे, ऐसे आपको प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मुख बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको मार्क एंटर करने हैं। और हाँ साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सेशनल मार्क यहाँ जब आप एंटर करोगे तो उसी के सम्मुख आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी के सेशनल मार्क आपको देने के उपरांत हर बार सेव करना पड़ेगा। यहाँ सेव आल का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ सेशनल मार्क एंटर कर लीजिएगा, उसके बाद सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह आपको प्रत्येक विषय के सेशनल मार्क यहाँ से विद्यार्थियों को देने होंगे। तो उम्मीद है साथियों, इस तरह आप इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से जान पाए होंगे कि आपको विद्यार्थियों को सत्रांक कैसे अलॉट करने हैं कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा हेतु। और यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, यदि किसी प्रकार की आपको तकनीकी समस्या है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।